सुंदर कह रहे उद्धव जी से गोकुल की गायल 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 ग्वाली न की। गोकुल के गायल गायल मैंने गली को कहते हैं, गायल गायल गली गली में गायल गायल का झुंड के झुंड होते हैं। एक गायल का अर्थ है गली और एक का अर्थ है झुंड समूह। तो गोकुल की गायल 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 ग्वाली न की। वृंदावन की गली गली में झुंड की झुंड श्री गोपियों की गोरस के काज लाज बस के बहाई बो। गोरस के लिए दही माखन और दूध के लिए गोरस के काज मतलब उसके लिए लाज बस के बहाई बो। मैं लज्जा भूल जाता था, मेरी लाज सब चली जाती थी। दूध के लिए दही के लिए माखन के लिए गोरस के काज लाज बस के बहाई वो। जो किस तरह मैं भूल जाता था अपने को और लज्जा छोड़ देता था दही लूटने के लिए माखन लूटने के लिए, ये आज हमको भूल नहीं रहा है। उसी की याद आती, यही इच्छा करते हैं कि मैं जा करके फिर वैसे ही दूध माखन खाऊं और लूटूं। कहे रत्नाकर रिझाई वो नवेली न को, और नवज्योति गोपियों को मैं जा करके पुनः रिझाऊं जैसे मैं रिझाता था उनको प्रसन्न करता था। गाइबो गवाइबो और नाचिबो नचाइबो। मैं गाता था गवाता था नाचता था और नचाता था। गाइबो गवाइबो और नाचिबो नचाइबो। कीबो श्रमहार। और कभी कभी मैं श्री राधा रानी की का श्रमहार करता था, उनका परिश्रम दूर करता था, उनका चरण दबाता था, उन पर पंखा झलता था। या श्री गोपीजन हमको पंखा झलती थी, हमारा श्रम दूर करते। श्रम क्या? नाचने का श्रम। रासलीला आदि में मैं थक जाता था तो मेरा श्रम हरती थी, या श्री गोपीजनों का श्रम मैं दूर करता था, चरण दबाता था और पंखा आदि झलता था। तो कीबो श्रमहार मनुहार कह विधि भात विधि। और जब मेरी प्रिया मुझसे रूठ जाती थी राधा रानी तो मैं मनुहार करता था। मनुहार मैंने मनाता था, कभी श्रमहार करता था कभी मनुहार करता था, विविध विधि विविध प्रकार से मनाता था। और कभी कभी मोहिनी मृदुल मंजू बांसुरी बजाई वो। मैं ब्रज में अपनी परम सुंदर बांसुरी बजाया करता था। उद्धव सुख संपत्ति समाज ब्रजमंडल के, जो ब्रजमंडल में सुख संपत्ति है और जो वहाँ का समाज है सखाओं का और श्री गोपीजनों का, भूले हूँ न भूले भूले हमको भुलाई वो। भूल करके भी वो स्मृति नहीं जाती है, बल्कि भुलाना ही हमको भूल गया। भूले हूँ न भूले भूले हमको भुलाई वो। कैसे विस्मरण किया जाएगा, कैसे भूला जाएगा, वो ही मैं भूल चुका। इसको फिर से गाते हैं। Thank you.
श्री भगवान अपने श्रृंगार के विषय बोल रहे हैं कि ये सब मथुरा में जो श्रृंगार है ये बेकार है। मोर के पंखों का सुंदर मुकुट छोड़ करके ये मणि मंडित मुकुट धारण करके क्या करूंगा, जैसे वो लगता है कि अपने मुकुट को फेंक रहे हैं उद्धव के सामने। पखौन को मुकुट छबिलो छोरी, मोर के पंखों का अत्यंत छबीला मुकुट छोरी छोड़ करके, और ये मणिमंडित किरीट मुकुट धारण करके क्या करूंगा, इससे क्या लाभ है। कहे रत्नाकर त्यो माखन स्नेही बिन, रत्नाकर कभी कहते हैं भगवान के भाव में, माखन स्नेही बिनु, अत्यंत चिकना अत्यंत स्निग्ध माखन छोड़ करके, और ये सटरस व्यंजन छह प्रकार के कजरस होता है, तिक्त कसाय मधुर आदि व्यंजन, सब्जी चबा करके क्या करूँगा, घास चबा करके क्या करूँगा। भगवान का स्नेही माखन मतलब उसमें स्नेह रस रहता है, रस रहता है, ऐसे माखन को छोड़ करके ये सब्जी चबा कर क्या करूँगा। मथुरा में माखन नहीं मिल रहा है, सब्जियाँ खूब मिल रही हैं, भुंजिया क्या क्या सब, तो इसको भगवान कह रहे इसको चबा कर क्या करेंगे। कहे रत्नाकर त्यो माखन स्नेही बिन, सटरस व्यंजन चबाई करी है कहा, गोपी ग्वाल बालन को झोंक बिरहानलन, मैं विरह के आग में दवानल में झोंक दिया गोपों को और गोपियों को, तो फिर मैं देवताओं का दुख हर करके क्या करूँगा। अपने लोगों को तो बिरहानल में डाल दिया, और इधर इंद्र का दुख हरना है, देवताओं का दुख हरना है। हरी सूर्य वृंद की बलाई हरी है का करी है का, तो देवताओं के दुख को दूर करके पृथ्वी का भार दूर करके मैं क्या करूँगा। प्यारो नाम गोविंद गोपाल को बिहाई है, मेरा सबसे प्यारा नाम गोविंद है, गोपाल है, मैं ये नाम छोड़ करके और द्वारकाधीश कहा करके क्या करूँगा, या जगदीश्वर कहा करके क्या करूँगा, उसे क्या लाभ है। ठाकुर त्रिलोक को कहाई करी है, तीनों लोगों का ठाकुर कोई कहे स्वामी कहे तो उससे क्या लाभ है। भगवान इस तरह से कह रहे हैं।
More ke प्रायः प्राणन कथन, तो श्री गोपियाँ किस तरह से भगवान श्याम सुंदर के विरह में दुखी हैं, इसके विषय में कुछ पद यहाँ पर लिखे गए हैं। वैसे तो ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन उसका 20वां हिस्सा भी यहाँ पर नहीं चयन किया गया है, इतना बड़ा प्रसंग है। श्री गोपीजन किस तरह से विलाप करती हैं, रोती हैं, तो सूरदास जी के शब्दों में सुनिए। आपका ये पेज 21, निस्दिन बरसत नयन हमारे। पृष्ठ 21 और श्लोक 12। Yeah.
जन विलाप कर रही हैं भगवान के विरह में कि हमारे नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं, मतलब आंसू उमड़ता रहता है, बहता रहता है।
निशदिन बरसत नयन हमारे, निशि माने रात और दिन मन दिन, रात दिन बरसते रहते हैं हमारे नेत्र। सदा रहत वर्षा ऋतु हम पर, ऐसा लगता है कि वर्षा ऋतु हम पर चढ़ी रहती है। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम सुंदर मथुरा गए तब से हम पर सदा वर्षा ऋतु ही रहती है, हमारे नेत्र रात दिन रोते रहते हैं। दृघ अंजन रहत निशिबासर, रात हो चाहे दिन हो कभी भी अंजन हमारे आँखों में टिकते नहीं हैं, इतने आंसू निकलते हैं कि टिक नहीं पाते हैं आँखों में। अंजन तब टिकते हैं जबकि आंसू ना छूटे, लेकिन आंसू निकलते ही रहते हैं। अतः दृघ अंजन रहत निशिवास, रात या दिन किसी समय अंजन नहीं टिक पाते हैं। कर कपोल भय कार्य, कर मतलब हाथ, हाथ से अश्रु पोछते पोछते अंजन के संग से हाथ और गाल कारे हो गए, काले पड़ गए। दृघ अंजन रहत निशिबासर कर कपोल भय कारे, कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ उर्बिच बहत पनारे। और कभी हमारा कंचुकी पट सुख नहीं रहा। कंचुकी पट के दो अर्थ है, एक तो चोली और दूसरा दुपट्टा ओढ़े हुए है, दोनों कभी सुख नहीं पाते। कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ उर्बिच बहत पनारे, हमारे हृदय में पनार नाली जैसी बह रही, आंसू इतने निकलते हैं कि उर्बिच बहत पनार। आंसू सलिल सबय भई काया, पलन जात रिष्टार, इतने आंसू निकल रहे हैं कि सारा शरीर ही एक प्रकार से भींग है, लगता है कि शरीर ही आंसूमय बन गया। आंसू सलिल भय सब काया, पलन जात रिष्टार, और पल भर भी आंसू रुकते नहीं, और रिस माने थोड़ा भी नहीं रुकते, एक क्षण के लिए भी आंसू नहीं रुकते हैं और थोड़ा भी नहीं रुकते। सूरदास प्रभु यह परेख हो गोकुल काहे विशाल, इसी बात का बहुत बड़ा दुख है। क्यों रो रहे हैं इतना? इसी दुख से कि श्याम सुंदर गोकुल कैसे विसार दिए, कैसे भूल गए। और एक पद में श्री गोपीजन कहती हैं कि ऐसे मन में हम श्री कृष्ण की याद कर लेती हैं, कान से उनकी कथा भी सुन लेती हैं, लेकिन देखने को नहीं मिलते हैं श्याम सुंदर। तो इन नेत्रों ने कौन सा अपराध किया था, कहा इन नयनन को अपराध, ये कहते हैं। हमारे नेत्रों ने कौन गुनाह किया था कि आज तड़प रहे हैं, इनके सामने श्याम सुंदर नहीं हो रहे हैं। ये पद है 22वें पृष्ठ पर, पद संख्या 16। सुगाइए कहा का अर्थ होता है क्या,
इन नेत्रों का कहा इन नयनन को अपराध। श्री गोपियां कह रही हैं हे प्रियतम श्याम सुंदर, इन नेत्रों ने आपका क्या अपराध कर दिया कि इनको इतना दुखी कर रहे हैं। कहा न नयनन को अपराध, कहा न नयनन को अपराध, इन नेत्रों का क्या अपराध है, क्या गुनाह है, नेत्र ही केवल दुखी है, जीभ दुखी नहीं है, कान दुखी नहीं है, क्योंकि जिह्वा तो गा ही लेती है आपके बारे में। रस नारटत सुनत जस श्रवणन, तो ये रसना तो रटती है गुण, रसना रटत इसको दुख नहीं है, आपके जस को गाती रहती है, नाम को गाती रहती है, तो जीभ को दुख नहीं है और कान को भी कोई दुख नहीं, ये भी सुनता रहता है, जस सुनता रहता है। इतनी आपकी अगाध महिमा है, जो भी सुंदरता आदि है, इतना अगाध होने पर भी ये रटती रहती है और कान सुनते रहते हैं, केवल नेत्र तड़प रहे हैं, देखने को नहीं मिल रहा। तो इन नेत्रों ने क्या अपराध किया था। भोजन कहे भूख जब भाजत, बिन खाए कह स्वाद। कोई भूख है, कोई भोजन का नाम लेता है तो ऐसा लगता है भोजन का नाम लेते ही भूख चली जाती है, अर्थात भूख नहीं लग रही है। बिनु खाए कह साथ, बिना खाए ही ऐसा लगता है कि सब कुछ खाए है। इसका मतलब कि बिना आपका रूप देखे हमें भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है। इकटक रहत छुटत नहीं कबहू हरि देखल के साथ, आँखें एक टक देखती रहती हैं मथुरा की तरफ, एक टक देखती रहती है, कभी पलक नहीं गिरता है। इकटक रहती छुटती नहीं कबहू, और कभी भी हरि देखन की साध, कृष्ण को देखने की साध, लालसा कभी छूटती नहीं। ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, कहो कहाँ अब कीजे। ये आँखें दुखी हैं वह सुंदर रूप देखने के लिए, क्या किया जाए, कौन उपाय किया जाए, कहाँ जाए, किससे कहे। एक बेर ब्रज आने कृपा करे, सूर सुदर्शन दीजे। एक बार आप आइए ब्रज में, केवल एक बार, एक बार आ करके और अपना सुंदर दर्शन दीजिए, तो सुदर्शन दीजिए, जैसे लगा है कि बुखार चढ़ा हुआ है विरह का, एक बार आ करके सुदर्शन चलो दीजिए, सुदर्शन दीजिए। सुदर्शन एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक औषधि है जिसको लेने से बुखार उतर जाता है, बस आना और विरह दुख समाप्त हो जाएगा, आंखें तृप्त हो जाएंगी। तो इन नेत्रों ने क्या अपराध किया था, और सब अंग सुखी हैं, केवल आँख ही तड़प रही है। तो ये दृग दुखी बिना वह मूर्ति, कहो कहा अब कीजे, कहो क्या किया जाए। तो भगवान से ही फिर प्रार्थना करने की, एक बेर ब्रज आने कृपा कर, कृपा करके एक बार ब्रज आइए, एक बार ब्रज आइए, सूर सुदर्शन दीजिए। सूरदास जी कहते हैं कि आप अपना सुंदर दर्शन दिखाइए या सुदर्शन औषधि लाइए जिससे ये विरह रोग दूर हो जाए। सदा श्री गोपियां मथुरा जी की तरफ देखती रहती थी, जिस रास्ते से कृष्ण गए थे उसी रास्ते से लौटेंगे फिर। अतः चित्तवत ही मधुबन दिन जात, दिन बीत जाता था पूरा मधुबन के तरफ देखते देखते, मधुबन के अंदर ही श्री मथुरा जी है, तो मधुबन के तरफ ही देखते देखते दिन बीत जाता था। इसको सूरदास जी गाते हैं गोपियों के भाव में, चित्तवत ही मधुबन दिन जात,
गाइए, आप सब अपने राग में गाइए। चितवत ही मधुबन दिन जात, मधुबन के तरफ देखते देखते ही दिन बीत जाता। जब तक सूरज का प्रकाश रहता है तब तक श्री गोपिया मधुबन के तरफ देखती रहती। श्री गोवर्धन जी से या नंदगांव से बरसाने से इस तरह से वे देखती रहती कि श्री कृष्ण अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे। नहीं आते हैं फिर भी पूरा दिन देखती रहती। चितवत ही मधुबन दिन जात, मधुबन के तरफ देखते देखते ही दिन बीत जाता है। नयनन नींद परत नहीं सजनी, और रात में नयन में नेत्र में कभी नींद नहीं आती है। सुन सुनी बातनी मनोकुलात, मतलब श्री कृष्ण के विषय में जब श्री गोपीजन आपस में बातचीत करती हैं तो बातें सुन सुन करके और चित व्याकुल होता है। सुन सुनी बातनी मनोकुलात, अब ये भवन देखिए तो सुने, हे सखी अभी सब भवन बड़े सुनसान लग रहे हैं। जब श्री कृष्ण इन घरों में आते थे।